साथियों नमस्कार नमस्कार। साथियों आपके साथ पुनः आज की एक नई चर्चा के लिए हम मुखातिब हो रहे हैं। आपसे अनुरोध है कि आज की इस चर्चा को आप ज़रूर ध्यान से समझें सुने, और एक ऐसी चर्चा को जिस पर आज हम करने जा रहे हैं, जिस बारे में हम बात करने जा रहे हैं, उसको अपने साथियों अपने मित्रों और अपने परिचितों के बीच में बांटने की अधिक से अधिक कोशिश भी करें। साथियों आज अगर हम देखें तो मानव जीवन एक ऐसे दोराहे पे खड़ा है, बल्कि एक ऐसे चौराहे पे खड़ा है जहाँ से समझ नहीं आ रहा कि किस दिशा की ओर आदमी अग्रसर हो, मनुष्य अग्रसर हो, मानव जीवन को किस प्रकार सुरक्षित रखा जा सके, किस प्रकार सुरक्षित किया जा सके, और किस प्रकार आने अपनी जो पीढ़ी है, न केवल इसे बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी एक ऐसी दिशा, एक ऐसा मार्ग प्रदान किया जा सके जिससे कि ऐसा महसूस हो सके, अनुभव हो सके कि यह मानव जीवन न केवल सुरक्षित है बल्कि मानव समुदाय अपनी समस्याओं से लड़ने में, अपनी समस्याओं से दोचार होने में और अपनी समस्याओं को पराजित करने में भी सक्षम है। यदि आज हम देखें पूरे विश्व की परिदृश्य की, अगर हम अध्ययन करें, उसकी हम अगर ध्यान दें, उसकी जांच परख करें, तो यह देखने में समझने में आता है कि कई देश बल्कि पूरा विश्व ही एक ऐसे मुकाम पे खड़ा है, एक ऐसी जगह पे खड़ा है जहाँ से उसको आगे का रास्ता स्पष्ट प्रतीत नहीं हो रहा। कहीं ना कहीं हमारे जीवन की शैली देखिए, हमारे रोज़मर्रे के काम धंधे देखिए, हमारे रोज़मर्रा का जीवन देखिए, जीवन शैली देखिए, जीविकोपार्जन देखिए, आमदनी और काम करने के रास्ते देखिए, कहीं ना कहीं ऐसा महसूस होता है कि जैसे शायद किसी ने ताला मार रखा हो। जिन देशों में व्यवस्थाएँ बहुत अच्छी हैं, उन देशों ने भी कहीं ना कहीं मुसीबतों का सामना किया है, लेकिन उन देशों में इस मुसीबतों से, कोरोना और कोविड-19 की जो परिस्थितियां पिछले 2 साल से पैदा हुई हैं, उनकी परिस्थितियों से, उनकी समस्याओं से दोचार होने में, लड़ने में कहीं ना कहीं वो शायद जो देश सक्षम है वो बाकी अन्य देशों के मुकाबले कहीं ना कहीं आगे हैं, 2-4 कदम आगे हैं। लेकिन वो देश जहाँ पर न केवल मानव निर्मित समस्याएँ हैं, मानव जनित समस्याएँ हैं, बल्कि जहाँ पर कोरोना ने भी कुछ ऐसी समस्याओं को पैदा कर दिया है जिससे कि जीवन और जीविकोपार्जन दोनों बहुत ही मुसीबत, बहुत ही कष्टकारी, बहुत ही असंभव जैसा प्रतीत होता है, उन देशों के लिए एक ऐसे मार्ग का निर्धारण करना, एक ऐसे पथ पर चलना, या ऐसे जीवन को एक ऐसी दिशा और दशा देना जिसमें कि हम अपनी पीढ़ी के साथ साथ आने वाली पीढ़ी को भी सुरक्षित भी रखें और उनके जीविकोपार्जन के साधनों का भी हम समुचित उचित उपयुक्त निर्माण भी कर सकें जिससे कि वो अपने और अपने परिवारों का, समाज का ख्याल भी कर सकें, अपने देश का ख्याल भी कर सकें। साथियों यदि मैं पूरे विश्व की चर्चा न करूं और केवल अपने भारत पर अगर हम नज़र डालें हम सब मिलकर के, तो कहीं ना कहीं ऐसा महसूस होता है कि आज भारत की जो आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था है वो एक अराजक, भयंकर अराजकता की ओर अग्रसर है, या फिर भयंकर अराजकता से कहीं ना कहीं अग्रसित है। साथियों इससे पहले कि मैं अपने देश, अपने भारत और अपने समाज और अपने राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक परिदृश्य पर चर्चा करूँ, उससे पहले आप सबसे एक अनुरोध जरूर करूँगा कि यदि आपको यह चैनल और हम अपने चैनल के माध्यम से जो भी चर्चा करते हैं वो अगर आपको पसंद आती हो, तो आप न केवल इसे लाइक करें बल्कि इसे अपने मित्रों और परिचितों के बीच शेयर भी करें, और आप अपने परिचितों और मित्रों को इस चैनल को, मेरे आलोक कुमार इंडिया चैनल को भी सब्सक्राइब करने के लिए भी प्रोत्साहित करें, आप भी करें और दूसरों को भी प्रोत्साहित करें। तो साथियों आइए आज हम अपने भारत की चर्चा करें, अपने भारत देश की चर्चा करें, और कैसे भारत देश किन परिस्थितियों के जंजाल में फंसा हुआ है और कैसे इस जंजाल से हम अपने देश को बाहर निकाल सकते हैं। कहीं ना कहीं ऐसा महसूस होता है कि आज जो हम देख रहे हैं अपने इर्द गिर्द, वो कहीं ना कहीं हमें असफल बना रही हैं, हमें सफलता की ओर जाने वाले मार्ग का अवरुद्ध कर रही हैं। ऐसा महसूस होता है कि जैसे लगता है कि आज की हमारी जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं स्वयं को और देश को पीछे ले जा रही हैं और कहीं ना कहीं शायद असफल बना रही हैं। आज का शीर्षक जो चर्चा के लिए हम आज एकत्रित हैं या हम आपसे मुखातिब हैं, उस चर्चा का शीर्षक है असफल मोदी सरकार अब भारत के लिए संभवतः एक बोझ है। असफल मोदी सरकार अब भारत के लिए संभवतः एक बोझ है, और जितनी जल्दी इस सरकार को एक परिवर्तन की दिशा की ओर ले जाया जा सके, शायद परिवर्तन आज के समय में अपरिहार्य हो चुका है, आवश्यक हो चुका है। इन मोदी सरकार के जो विनाशकारी निर्णय हैं, जहरीली प्राथमिकताएं हैं, उससे ऐसा महसूस होता है, आम जनमानस ऐसा सोचता है, एक एक जनता शायद ऐसा सोचने को मजबूर है कि इस सरकार के लिए
जिस प्रकार से हम लोगों ने पिछले साल जा कोरोना जा या गो कोरोना गो कहा था, वैसे ही शायद आज इस सरकार के लिए जा सरकार जा, गो गवर्नमेंट गो, ऐसी भावनाओं से आज हम कहीं ना कहीं अपने स्वयं को शराबोर पाते हैं, ओत प्रोत पाते हैं। आइए साथियों चर्चा करें अपने भारत देश के लिए, इसके संदर्भ में अगर विश्व की परिस्थितियों से भी अगर हम दो चार होने को मौका लगा तो मैं उसकी भी चर्चा आपको आज कर बताऊँगा। आज अराजकता सर्वोच्च पर है, कोई नहीं जानता कि क्या हो रहा है और क्या करना है, स्थिति पूरी तरह नियंत्रण से बाहर महसूस होती है, प्रधानमंत्री बिल्कुल खोए और हारे हुए लगते हैं, उनके बॉडी लैंग्वेज को अगर आप ध्यान दें तो ऐसा लगता है कि चीज़ों पे, व्यवस्थाओं पे, परिस्थितियों पे, समस्याओं पे उनका कोई नियंत्रण नहीं है। जिस प्रकार से वो ऊंची-ऊंची लंबी लंबी बरबोली बातें करते हैं, वो कहीं भी सत्यता से के नज़दीक नहीं है, बहुत ही कोसों दूर हैं। जिस तरह से प्राथमिकताएँ आज तय की जा रही हैं, फैसले लिए जा रहे हैं, ऐसा लगता है कि मोदी सरकार भारत के लिए एक बोझ है। प्रारंभिक उत्साह जो 2014-15-16 में दिखता था वो सब गायब हो चुका है। मोदी सरकार लाखों करोड़ों भारतीयों की आशाओं, आकांक्षाओं और सपनों की हत्या करने वाली एक घातक सरकार साबित हो रही है। एक सरकार जो 2014 में सत्ता में आई थी, उस समय प्रचलित दलदल से बाहर निकलने की उम्मीद में करोड़ों भारतीयों द्वारा डाले गए तथाकथित लोकप्रिय बहुमत के वोटों पर सवार होकर शायद अब अपने स्वयं के आत्मघाती, आत्म प्रचार लालचों और उलझनों का शिकार हो चुकी है। यह सरकार जो स्वयं को हर चीज़ से लड़ने लायक दिखाती थी, शायद आज वो उन्हीं समस्याओं से, न केवल पुरानी समस्याओं बल्कि नई समस्याओं से भी ऐसी घिर चुकी है और जिनके पास समाधान के नाम पे शून्य है, कोई रास्ता नहीं है, कोई मार्ग नहीं है, कोई पथ इनको दिखता नहीं है। 2014 की गलती शायद हम लोगों ने, इस देश ने 2019 में भी दोहराई, बहुसंख्यक भारतीय नागरिकों द्वारा दोहराई गई, हम सबके द्वारा दोहराई गई। देश भर में व्याप्त नारकीय परिस्थितियों के कारण हम सभी इस तरह से सोचने के लिए आज मजबूर हैं। लोग मर रहे हैं, लोग जीवन खो रहे हैं, लोग अपनी आय, व्यवसाय, परिवार, यहाँ तक कि अपनी उम्मीदों और सपनों को भी, अपने जीवित रहने की इच्छा को भी, अपनी काम करने की इच्छा शक्ति को भी खो चुके हैं। ऐसा लगता है कि यह सब समाप्त हो चुका है। सरकार को पता ही नहीं है कि वो किस दिशा में जाना चाहती है या किस दिशा में आगे बढ़ना चाहती है या देश या देशवासियों को किस दिशा में आगे बढ़ाना चाहती है। 2014 या उससे पहले की मौजूदा राष्ट्रीय समस्याएं न केवल बढ़ी हुई हैं बल्कि नई समस्याएं भी काफ़ी संख्या में जुड़ चुकी हैं जिनका कोई समाधान सरकार के पास, मोदी सरकार के पास नज़र नहीं आ रहा। समस्याओं का तो अंबार इन्होंने लगा दिया है लेकिन किसी भी समस्या का समाधान इनके हाथों में नहीं है, इनके विचार में नहीं है, इनके कर्म में नहीं है। सूची अंतहीन अगर नहीं भी है तो लंबी, बहुत लंबी हो चुकी है और अगर कोई इन्हें गिनना शुरू करे तो शायद वह गिनने की अवस्था में भी नहीं आ पाएगा, याद ही नहीं रहेगा, आगे गिनेगा तो पीछे भूल जाएगा। प्राइम मिनिस्टर मोदी सरकार को, पीएम मोदी की सरकार को, देश को परेशान करने वाले राष्ट्रीय मुद्दों से निपटने के बारे में जो बिल्कुल ही सक्षम नहीं है बल्कि यह अपने विनाशकारी कार्यों और फैसलों के सौजन्य से लोगों को भी अक्षम बना रही है, पूरे देश को अक्षम बना रही है, स्वयं भी अक्षम बनती जा रही है और देश को भी अक्षम बना रही है। जिस तरह से यह भारतीय संविधान द्वारा निर्धारित हमारे देश के संघीय ढांचे को नष्ट कर रही है, मोदी सरकार स्वयं एक बहुत बड़ी समस्या प्रतीत होती है। राज्य सरकारों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने नहीं दे रही है, या तो शायद इनकी मंशा नहीं देना है या फिर कुछ इस तरह से नियंत्रित करके रखना है कि जिसमें सब कुछ ऐसा लगे कि यही कर रहे हैं और करने के नाम पे ये कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं। जिस सरकार को अगर हम बात करें, 5 रुपये का प्लेटफॉर्म टिकट 50 रुपये में और 35 रुपये का प्रति लीटर का पेट्रोल लगभग 3 गुनी राशि या उससे भी अधिक, 110, 115, 105 रुपये की राशि या उससे भी अधिक में बेचने वाली मोदी सरकार स्वयं कालाबाजारी को बढ़ावा दे रही है, तो देश में कालाबाजारी को रोकने की नैतिक शक्ति इसमें कैसे हो सकती है? बिल्कुल ही नहीं हो सकती। अभी हम लोगों ने पिछले 1 साल 1.5 सालों में देखा है कि जिस प्रकार से खाने की चीज़ें, पहनने की चीज़ें और मेडिकल चिकित्सा की चीज़ें हैं, जिस प्रकार से कालाबाजारी हुई है, उस कालाबाजारी को रोकने में सरकार बिल्कुल ही असफल, अक्षम रही है। तो जो सरकार स्वयं कालाबाजारी को प्राथमिकता देती है, उनकी प्राथमिकता में है, बढ़ावा देती है, वो कालाबाजारी कैसे रोक सकती है? और इसी का नतीजा आज भारत, पूरा भारत झेल रहा है, झेला है और झेल रहा है, आगे भी संभवतः यह झेलता ही रहेगा। नतीजा आप देख रहे हैं, आम जनता जानलेवा महंगाई से त्रस्त है, परेशान है, चीज़ों के दाम बेतहाशा बढ़ रहे हैं और जिस पर कोई किसी प्रकार का नियंत्रण किसी भी का भी महसूस नहीं होता, प्रतीत नहीं होता। राष्ट्रीय समस्याओं की यदि सांकेतिक सूची में हम बात करें, गणना करें कि क्या क्या समस्याएं हैं, तो आपको अंतहीन तो लगती ही है लेकिन फिर भी कुछ समस्याओं का नाम लेना शायद हमें, हमारे लिए यहाँ पर आवश्यक है। कोरोना या कोविड-19,
देशबंदी यानी लॉकडाउन, जीएसटी सिस्टम जिसने व्यापार को बर्बाद कर दिया है पूरे देश में, व्यापार बंदी कह सकते हैं, नोटबंदी यानी डीमोनेटाइजेशन, बेरोजगारी यानी अनएम्प्लॉयमेंट, भारतीय अर्थव्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है जिस प्रकार से प्रति तिमाही परिणाम जो जीडीपी के आ रहे हैं, यदि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात, फॉरेन रिजर्व्स की भी बात करें, अगर वो भी 600 बिलियन डॉलर के ऊपर है तो कहीं ना कहीं भारत के ऊपर जो कर्ज है वो भी लगभग इसी के आसपास है। भारतीय अर्थव्यवस्था इस प्रकार से पूर्णतः ध्वस्त हो चुकी है, किसी भी प्रकार का ऑक्सीजन ही नहीं महसूस होता है। गहरी एवं व्यापक जड़ें जमा चुका भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार में भी आप देखिए अभी अभी चर्चा आई है कि राम मंदिर निर्माण के मामले में भी जमीन खरीदी फरोख्त में भी शायद कोई भ्रष्टाचार की बू आ रही है। पक्षपाती देशद्रोह परिभाषा है, देशद्रोह की जो परिभाषा है वो भी सरकार अपने नज़रिए से, अपने चीज़ों से, अपनी समझ से गढ़ती है जो है, और ऐसी परिभाषा गढ़ रही है जिससे केवल उसका ही भला हो, वो जो निर्धारित करे वही सब पर लागू हो। शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, चिकित्सा व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, संवैधानिक संस्थाएं ध्वस्त हो चुके हैं, कश्मीर और धारा 370 भी लंबित है जिस पर कोई अभी तक निर्धारण इस तरह से नहीं हो पाया कि जिससे न केवल कश्मीर बल्कि पूरा देश उसके प्रति आश्वस्त हो सके। राष्ट्रीय सुरक्षा और आतंकवाद के नाम पर भी आप देखिए किस किस तरह के निर्णय आ तो रहे हैं लेकिन उस पर कोई सफलता की गुंजाइश महसूस नहीं होती। कोरोना का जो मानव संहार देखने को मिला है जिसमें अभी लगभग 4 लाख सरकारी अगर आंकड़ों की बात करें तो ये करीब 4 लाख मौतें हो चुकी हैं, और गैर सरकारी आंकड़ों की बात करें तो लोग 40 से 50 लाख मौतों की बात करते हैं। व्यापारिक वातावरण तो ध्वस्त ही है, जैसा मैंने अभी आपको कहा कि जीएसटी ने जिस तरह से व्यापार के वातावरण को नष्ट कर दिया है उससे व्यापारिक वातावरण बिल्कुल ध्वस्त है। गरीबी की बात तो सब करते हैं लेकिन गरीबी कोई मिटा नहीं पाता, गरीबी कैसे मिटे इस पर भी कोई सोचने को आज बिल्कुल ही उनकी प्राथमिकताओं से बाहर है। बढ़ती महंगाई हम देख ही रहे हैं कि खाने के तेल से लेकर पेट्रोल डीजल और गैस की कीमतों में किस प्रकार से बढ़ोतरी हो रही है, और किस आम लोगों की पहुंच से ऐसा महसूस होता है कि ये पार होने के लिए बिल्कुल तत्पर है, तैयार है। अत्यंत स्वार्थी शासक वर्ग, अपने देश के शासक वर्ग में अगर हम देखें, केंद्रीय सरकार हो चाहे वो प्राइम मिनिस्टर मोदी की सरकार हो, और अगर स्टेट सरकार की बात करें, मसाली राज्य सरकारों की बात करें, तो अधिकतर राज्य सरकारें बिल्कुल ही स्वार्थीपन, एक स्वार्थी शासक वर्ग की परिधि में आते हैं, कि सीमा में, परिभाषा में आते हैं। विभाजन और विभाजनकारी, या तो विभाजित या विभाजनकारी समाज, समाज को आज इतना विभाजित कर दिया गया है या ऐसा विभाजनकारी बना दिया गया है कि जिसमें ऐसा महसूस ही नहीं होता है कि समाज अपनी चीज़ों के ऊपर नियंत्रण करने के लिए या एक जुट होकर रहने के लिए शायद कहीं कटिबद्ध भी है, प्रतिबद्ध भी है। लोकतांत्रिक मूल्य बिल्कुल ध्वस्त हो चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंध या पड़ोसी देशों से संबंध भी हम देख ही रहे हैं किस निचाई तक एक निम्नता की ओर बढ़ चुके हैं या पहुंच चुके हैं। महिला अत्याचार एवं अपराध वृद्धि भी हम देख ही रहे हैं किस प्रकार से हो रही है। धर्मांधता और भारतीय मूल्यों में गिरावट भी हो चुकी है। नागरिकता संशोधन अधिनियम भी हम देख चुके हैं 2020 किस प्रकार से भी एक अर्थ मतलब एक इनकम्प्लीट इशू है। सत्ता का केंद्रीकरण भी होना चाहिए हो चुका है जो कि बहुत ही एक देश के लिए नुकसान है। विनिवेश के नाम पर लूट, एनपीए और इंसॉल्वेंसी बैंक के नाम पर बैंक की लूट, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका भी ध्वस्त हो चुका है। तीनों अंग शासन के प्रशासन के व्यवस्था के तीनों अंग अपने आप को अक्षम महसूस कर रहे हैं। एक कहानी अगर मैं आपको सुनाना चाहूँ तो किसी गाँव में एक नाई था, लोगों की हजामत करना उसका काम था, बच्चे युवा वृद्ध सभी उसके पास आते, बाल कटवाते, दाढ़ी बनवाते, मूछ बनवाते, मुंडन करवाते और चले जाते। नाई अधिक ग्राहकों के लालच में सभी लोगों को उलझा कर रखता। उसकी फितरत थी कि किसी की आधी मूछ बनाकर छोड़ देता, किसी के बाल आधे काट कर छोड़ देता, किसी की दाढ़ी बनाने के लिए शेविंग क्रीम लगा कर छोड़ देता, मुंडन के लिए उस तरह तैयार करके उलझाता, लेकिन सभी को किसी न किसी रूप में वो उलझा कर रखना हमेशा रखता था, या अपने सभी ग्राहकों को उलझा कर रखता था, सभी को किसी न किसी रूप में फंसा कर रखना उसका एक उसकी आदत थी, उसकी फितरत थी। लोगों को लगता था कि यह नाई बहुत व्यस्त रहता है, बहुत अधिक व्यस्त रहता है, 24 घंटे काम करता है। कुल मिलाकर सभी ग्राहक उसके यहाँ उलझे रहते, एक बार फंसने पर अपने निर्णय और तकदीर पर अफसोस करते, कुल मिलाकर सभी ग्राहक उसके साथ भ्रमित रहते, अपनी स्थिति और भाग्य को फंसा हुआ देखकर उसके पास आने के अपने निर्णय पर पछताते, लेकिन चूंकि गांव में वह एकमात्र इकलौता नाई था तो लोग उसके पास जाने के लिए भी मजबूर थे। देश आज शायद इसी अवस्था का शिकार है। प्रधानमंत्री मोदी को ऐसा लगता है कि उनका कोई विकल्प नहीं है, प्रधानमंत्री मोदी को ऐसा लगता है कि उनकी सरकार का कोई विकल्प नहीं है, विपक्ष ध्वस्त है
और शायद देश के देशवासियों को भी ऐसा लगता है कि इस सरकार का कोई विकल्प नहीं है। तो इसकी तमाम नखरे, इसके तमाम जन विरोधी निर्णय, इसके तमाम जन विरोधी फैसले, तमाम भ्रष्टाचार, तमाम असफलताएं, अक्षमताएं, सब को झेलने के लिए शायद आज देश एक मजबूर या मजबूरी की हालत में है, एक ऐसी अवस्था में है जहाँ से देश बाहर निकलने की सोच भी नहीं सकता, क्योंकि मोदी सरकार हर मुद्दे पर, हर मौके पर, हर हर मामले में एक अक्षम और असफल सरकार साबित हो रही है। वो इतना दिखाती है स्वयं को कि हम वो जैसे बहुत कुछ काम करने की मुद्रा में है, लेकिन अगर परिणाम की आशा की जाए या बात की जाए या जांच पर की जाए तो बिल्कुल शून्य है। भारत और उसके नागरिकों की स्थिति भी ऐसी ही है। स्थिति अब ऐसी हो चुकी है कि अगर भारत और भारतीयों को जीवित रहने, फलने, फूलने, प्रगति करने और सभी संभावित मोर्चों पर उन्नति या प्रगति या समृद्धि प्राप्त करने की ज़रूरत है तो मोदी सरकार का परिवर्तन, प्रतिस्थापन अपरिहार्य है, बहुत ही आवश्यक है। और जब तक मोदी सरकार को हटाया नहीं जाए या ये इनके 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 इनसे इस्तीफा, त्याग पत्र या कुछ ऐसी व्यवस्था नहीं की जाए तब तक शायद देश का भविष्य और अधिक अंधकार में होता रहेगा। मोदी सरकार के पास शायद अपने या हमारे महान देश के लिए कोई विजन, मिशन, संस्कृति और मूल्य शेष नहीं बचा है। जिस प्रकार के निर्णय, जिसे हमने शुरू में ही कहा कि एक ऐसा निर्णय जिसे कहते हैं विनाशकारी निर्णय, एक ऐसी प्राथमिकताएं जो देश के लिए, देश की जनता के लिए जहरीली हो चुकी हैं, और इन चीज़ों के साथ काम करने वाली मोदी सरकार के लिए शायद आज प्रत्येक भारतीय के मन में, मानस में शायद एक ही भावना है, जा सरकार जा, जा सरकार जा। तो असफल मोदी सरकार भारत के लिए संभवतः अब बोझ बन चुकी है। साथियों, यह चर्चा आज करना हमारी आवश्यकता, क्योंकि जिस प्रकार से आप देख रहे हैं देश बंद और खुले के दो, कहते हैं घड़ी जब चलती है ना तो पेंडुलम दाएं बाएं घूमता है, तो आज देश भी वैसे ही है, कभी बंद कभी खुला, कभी बंद कभी खुला, और किसी के पास कोई ना तो विजन है, ना मिशन है, ना वैल्यूज़ है, ना कल्चर है, संस्कृति वगैरह कुछ नहीं है। और इसलिए देश जितनी जल्दी इन परिस्थितियों को बदल सके उतना ही बेहतर होगा, हम सब के लिए बेहतर होगा, और हम सब अपने उज्ज्वल भविष्य के लिए और अपने आने वाली पीढ़ी के लिए भी एक उज्ज्वल भविष्य की कामना कर सकते हैं। साथियों, इसके साथ मैं आज की इस चर्चा को विराम देता हूँ। आपसे एक कोशिश थी कि हम आज की परिस्थितियों पर चर्चा कर सकें, और उम्मीद करें कि एक ऐसा राह, एक ऐसा मार्ग हम लोगों को मिल सके, दिख सके, या ऐसा एक ऐसी एक अवस्था और परिस्थिति का निर्माण कर सके जिसमें भारत एक, जिस प्रकार से हम लोग कल्पना करते हैं, सोचते हैं कि पहले सोने की चिड़ियाँ थी, आज के भी सोने की चिड़ियाँ बन सके। धन्यवाद साथियों, आप सभी के उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।